दिस मैं नालायक कॉन्फ्रेंस लोग जो विल बाद नाउ बी में रिकॉर्डेड। क्लास रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए। हम लोगों ने कल बात की थी कि अकाउंटिंग क्या होती है। हमने बात ये की थी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिस प्रोसेस के थ्रू आप रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी एक बिजनेस के अंदर काम करने के हवाले से, जो भी उसकी ट्रांजेक्शन है उसके हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो इंफॉर्मेशन हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। और वो क्यों कम्युनिकेट करते हैं? ताकि लोग उसकी बेसिस के ऊपर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। कौन से लोग होते हैं? उन लोगों को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने ये बात भी की कि अकाउंटिंग जो है वो दरअसल एक प्रोसेस होता है जिसके इनपुट्स में जो चीजें शामिल होती हैं वो हैं ट्रांजेक्शंस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज। ओके, और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज चल रही होती हैं और इन सारी की सारी एक्टिविटीज का मतलब या मकसद होता है एक आउटपुट जनरेट करना। वो स्पेशल फॉर्मेट्स के अंदर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ रिकॉन्सिलेशन होती हैं। फिर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी थी एक कंपनी की और हम लोगों ने ये बात भी की थी कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है और उसके बैकएंड पे क्या क्या काम हुआ होगा, जिससे हमने थोड़ा सा ये अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि अकाउंटिंग क्या होती है और इसका मेन मकसद क्या है। आज हम अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स की बात करेंगे कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने देखी थी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की क्रिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलेंगे और इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आता है, बिजनेस का खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है और बिजनेस को इनकम कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इस सिंपल एग्जाम्पल के अंदर अज्यूम करते हैं कि ये आप हैं, ठीक है जी, ये आपकी क्लास है और ये आपकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है जी, एंड दिस इज द बिजनेस। बिजनेस जो है वो दरअसल एक बिल्डिंग है या एक जगह है जहाँ पे जाके आप बिजनेस करते हैं। चाहे बिजनेस आपका है, ये अकाउंटिंग का रूल है कि आपको और बिजनेस को जुदा जुदा कंसिडर किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ये वो बेसिक रूल है, बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो हम लोगों ने कल भी ये बात की थी कि हर बंदा अपने हिसाब से कैलकुलेशन करता है, हर बंदे की एक अपनी जेन के अंदर एक अकाउंटिंग चल रही होती है। तो हम एक यूनिवर्सल मेथड ऑफ अकाउंटिंग बना रहे हैं, तो वो जो यूनिवर्सल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसके कुछ रूल्स होने चाहिए जो हर बंदे को पता हो। तो उन यूनिवर्सल मेथड्स के अंदर से पहली जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि बिजनेस और आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसिएशन है। चाहे आपने खुद एक बिजनेस शुरू किया है, आपने किसी और बंदे को साथ में शामिल नहीं किया, ना आपने कोई कंपनी बनाई है, आप सिर्फ और सिर्फ अकेले इस कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं, लेकिन फिर भी आपको और आपके बिजनेस को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। हम लोग जो ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस की कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ दिस बिजनेस। और फर्स्ट करें इसको एक नाम दे देते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं दैट बिजनेस इज एक्चुअली ए बी सी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है जी, एक सीए का हम लोग फिजिकल कॉलेज शुरू करने लगे हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ मैं या आप, दिस इज यू, आप ये बिजनेस शुरू करने लगे। तो जनाब जरा सोचिए कि अगर आपने एक फिजिकल स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी शुरू करना है तो आपको क्या क्या चीजें या क्या क्या ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये है कि पैसा कहाँ से आएगा। जी जनाब, पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले आपके जहन में ये चीज आती है कि जनाब आप खुद इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, आपने कुछ पैसा सेल्फ इन्वेस्ट किया। फर्ज करें कि आपके पास थे 10 लाख रुपए,
आपने सेल्फ इन्वेस्ट कर लिए पैसे, लेकिन 10 लाख रुपए से कॉलेज शुरू नहीं होता, तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसके अलावा पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। माइक आप लोग ओपन कर सकते हैं या टाइप करके बता सकते हैं, दिस इज ऑल अप टू यू। मेरे ख्याल से टाइप करके बताना ज्यादा बेहतर होगा, आप सब लोग टाइप करें और मुझे बताएं कि पैसा और कहाँ कहाँ से आ सकता है। लोन लेकर, लोन कहाँ से लेंगे? बैंक से, ओके, बैंक लोन आ गया जी। इसके अलावा बताएं जी, क्या किसी और बंदे से, किसी और जगह से, किसी और इंस्टीट्यूट से लोन लिया जा सकता है? फ्रॉम सर कोई एनी इन्वेस्टर पर्सन, अगर, इन्वेस्टर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। आपको इन्वेस्टर मिल सकता है, आपको थर्ड पर्सन मिल सकता है जिससे कि आप लोन ले सकते हैं, घर वालों से लोन लिया जा सकता है, दोस्तों से, भाइयों से। ये तो था स्टार्टअप का पैसा। तो क्या आपको, जब आपका स्कूल चलना शुरू हो जाएगा, तो क्या आपको हर दफा इन चार में से किसी एक सोर्स से पैसा मिलेगा, या जब बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा तो कुछ बिजनेस का पैसा भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा? ठीक है जी, बिजनेस का पैसा कहाँ से जनरेट होगा? बिजनेस का पैसा स्टूडेंट से फी लेके जनरेट होगा, कि आप स्टूडेंट से फीस लेते जा रहे हैं और आपको उसमें से पैसे मिलते हैं जो आप, जिसकी वजह से, जिसकी बेसिस के ऊपर खर्चे करते हैं। ठीक है जी, आपने नोट किया होगा कि मैंने इंक कलर चेंज कर दिया है। अब ये कुछ पैसे ऐसे हैं जो आपको शुरू में चाहिए, कि आपने खुद इन्वेस्ट किए, आपने बैंक से इन्वेस्ट किए, आपने इन्वेस्टर लेके आया, आपने किसी बंदे से लोन ले लिया, थर्ड पर्सन। ठीक है जी, एक बच्चे ने कहा जी पार्टनर ले आएंगे, अदर बिजनेसेस से इन्वेस्ट कर लेंगे, यानी कि वो सारे के सारे यहाँ पे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। पार्टनर की अभी हम बात नहीं करते, हम ये कह रहे हैं कि मैंने अकेले ने या आप अकेले ने एक बिजनेस चलाना है, उस बिजनेस को पैसे देने हैं। आप खुद उस बिजनेस को पैसे दे सकते हैं, यानी कि आप खुद उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आप समझे ना, ये जो बिजनेस है, दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक बंदा है। इस बंदे के पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे? तो हमने कहा कि ओनर इन्वेस्ट कर सकता है, थर्ड पर्सन से लोन लिया जा सकता है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये जो बिजनेस है, हम हमेशा इसके प्रस्पेक्टिव से बात कर रहे होंगे, हम ओनर के प्रस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक है जी, अच्छा, इस बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आएगा? ओनर इन्वेस्ट करेगा, बैंक इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक से आप लोन ले सकते हैं, किसी इन्वेस्टर से आप पैसे ले सकते हैं, थर्ड पर्सन से। खैर, इन्वेस्टर और थर्ड पर्सन एक ही है, तो मैं इन्वेस्टर का वर्ड रिमूव कर देता हूँ। हम लोग कहते हैं कि ये तीन डिफरेंट सोर्सेस से हमें पैसा आ सकता है। फिर जब हमारा बिजनेस चल जाएगा तो हमें फी मिलना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट की तरफ से, और कॉलेज वाले कैसे कमाते हैं जी बताएं। जी, आप लोगों की बात फीस सुनने के लिए से मैं, सर मेन वो होगा, और फिर कैंटीन वगैरह किराए पे दे देते हैं कुछ, और साइड्स पे इस तरह आते जाएंगे, ये कॉफी आपकी शॉप हो अदर इनकम, गया, अदर इनकम हो गया। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा बताएं जी, और कॉलेजेस वाले कहाँ कहाँ से पैसे कमाते हैं? हम कहते हैं जी नोट सेल करके, कैंटीन वगैरह, आपने ये बताया कि बुक शॉप से कॉलेज वाले पैसे कमा लेते हैं, यस बुक शॉप जो है ना वो किराए पे दे देते हैं। माइक ऑफ कर लें अपना। अच्छा, ये स्टूडेंट कहता है जी सर वॉइस कट रही है, क्या बाकी लोगों की भी वॉइस कट रही है? नो, ओके, ऐसे हो सकता है। देखिए, जो एक तो ये होता है ना कि इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, तो इंटरनेट दो जगह पे इन्वॉल्व हो रहा होता है, एक मेरा और ये जो गो टू मीटिंग का सर्वर है उस पे, और फिर दूसरा गो टू मीटिंग के सर्वर से आपके पास। तो कभी अगर मेरा नेट ना सही चल रहा हो तो मसला आएगा, फिर वो सब बच्चों को मसला आएगा, लेकिन अगर आपका नेट नहीं सही चल रहा होगा तो सिर्फ आपको ही मसला आएगा। तो अभी यहाँ पे हर कोई किसी की चैट देख सकता है, इसलिए यू कैन सी के अगर आप भी मैसेज कर दें अगर आपको वॉइस का इशू आता है, और अगर कोई एक दो और बच्चे भी मैसेज कर दें वॉइस का इशू आ रहा है, तो फिर मैं रुकूंगा। ठीक है जी, तो फिर हम लोग एक थ्रेशोल्ड बना लेते हैं
कि फर्ज करें कि अगर मुझे 3 बच्चों का मैसेज आ जाता है कि सर वॉइस का इशू आ रहा है, तो फिर मैं वॉइस को चेक करूंगा। अगर एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर वॉइस का इशू आ रहा है, तो फिर मैं उस मैसेज को इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि फिर वो मोस्ट प्रोबेबली उस बच्चे का अपना मसला है, ठीक है, उसके अपने इंटरनेट का मसला है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एंड दैट इज ए बेटर नेट। और मतलब ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, आजकल बहुत सस्ते सस्ते जो है ना वो आपको इंटरनेट पैकेजेस मिल जाते हैं। मोस्टली नेटवर्क्स का इंटरनेट सही होता है, या आपको कोई ना कोई अच्छी ऑप्शन जरूर मिल जाती है। सिर्फ एक छोटा सा आपका क्लास लेने का खर्चा होगा, और ये खर्चा आप बाद में आपके सारे घर वाले भी यूज कर सकते हैं। आप हर बंदे के पास, कम से कम सारे बहन भाई जो है वो तो यूज कर ही लेते हैं उस इंटरनेट को, तो सारे बहन भाई मिलके एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं अपनी अपनी जेब खर्च में से पैसा निकाल के। बहरहाल हम वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉलेज वालों का, कॉलेज हमने शुरू करना है, इस कॉलेज के पास पैसा कहाँ से आएगा। एंड वी सेड कि अच्छा जी सेल्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑनर इन्वेस्ट करेगा। दूसरी चीज ये है कि बिजनेस से पैसा, बैंक से पैसा लिया जा सकता है। तीसरा ये है कि हम लोग किसी भाई से, बहन से, किसी दोस्त से, ठीक है जी, हम लोग पैसे ले सकते हैं। और जब हमारा बिजनेस एक दफा चल जाएगा, तो फिर हमें फी से पैसे आएंगे, कैंटीन से पैसे आएंगे, बुक शॉप से पैसे आएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब ये पैसा हमें क्यों चाहिए, पैसा कहाँ लगेगा, ये एक दूसरा सवाल है। पैसा कहाँ लगेगा, ठीक है जी। शुरू शुरू में सबसे पहले आपको क्या खर्चे करने होंगे, पहले तो आप वो मुझे बताइए, और फिर उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। सबसे पहला जो खर्चा होगा, हमें क्या करना होगा इस बिजनेस को, एक बिल्डिंग जो है वो लेनी पड़ेगी ऑन रेंट, ठीक है जी। बहुत सारी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये रेंट की बिल्डिंग पे चल रहे होते हैं, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, रेंट पे एक बिल्डिंग ले लेंगे। इसके अलावा अच्छा, एक स्टूडेंट ने तो लैंड से शुरू किया है, लैंड लेंगे, फिर उसके ऊपर पर्पस बिल्ड कैंपस बनेगा, और पर्पस बिल्ड कैंपस के अंदर सारी की सारी चीजें होंगी, तो वो भी ठीक है। ठीक है, हम लोगों को एक विसिनिटी चाहिए, एक जगह चाहिए इसको क्लास को कराने के लिए। फिर आप लोगों ने बताया जी फर्नीचर चाहिए, ओके, और कॉलेज को चलाने के लिए आपको क्या क्या चीजें शुरू में करनी होंगी बताइए। सर टीचर्स हायर एम्प्लॉयज करने चाहिए, होंगे। टीचर्स हायर करने होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयज, मैं थोड़े से इनका कलर जो है ना वो चेंज करके लिख रहा हूँ, इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस है जो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉयज चाहिए आपको, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि स्टाफ चाहिए आपको, टीचर्स चाहिए, ठीक है जी, जो ये काम कर सकेंगे। और बताइए जनाब। सर एक अच्छा विजन चाहिए, वाह क्या बात कर दी। विजन तो सबसे ज्यादा जरूरी है जनाब, किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए एक अच्छा विजन, एक अच्छी सोच, और अच्छा विजन और अच्छी सोच सोच, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं कर व्हीकल्स सकते। वगैरह चाहिए। जी बिल्कुल, व्हीकल्स आपको चाहिए, लेकिन व्हीकल्स क्यों चाहिए आपको, क्या बच्चों को सुबह सुबह आते ही उनको सैर कराएंगे गाड़ी पे बिठा नहीं के? सर जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा नहीं, क्या मतलब, क्या कॉलेज को क्यों जरूरत पड़ेगी गाड़ियों की? सर स्कूल बस अगर वेरी कोई गुड, ट्रांसपोर्ट करना चाहे। आपकी बात मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन तो थोड़ा सा आपको तंग कर रहा था। सही ठीक है सर जी, सही। हमें स्कूल बस चाहिए। अगर हमें पिक एंड ड्रॉप के लिए जो है ना वो कुछ व्हीकल्स चाहिए, सारे लोग अब अपना अपना बिजनेस माइंड ऑन करें ना, अगर आप कॉलेज बना रहे हैं तो आपके कॉलेज में पैसा कहाँ से आएगा। अगर इसमें भी आपके जहन में अभी भी कोई बात आती है, तो आप बता सकते हैं कि सर एक और जगह से पैसा आ सकता है, और पैसा कहाँ लगेगा मैं, आपने मुझे बताना है कि कॉलेज को चलाने के लिए आपको कहाँ कहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा। जी जनाब, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चाहिए। कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, अब हम कंप्यूटर्स भी लिख लेते हैं जी। कंप्यूटर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर्स एडवर्टाइजमेंट प्लस करनी सॉफ्टवेयर, होगी। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट हमें करनी होगी, ये गुड एग्जाम्पल है जी, एडवर्टाइजमेंट लिख लेते हैं। स्कूल बस चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग
इतने सारे मेरे पास 18 बिजनेसमैन बैठे हुए हैं और हम लोग एक ही सफे पे पूरे के पूरे स्कूल की, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूट की प्लानिंग करने में कामयाब हो गए हैं। क्या इसके अलावा किसी एक स्कूल को, किसी एक इंस्टीट्यूट को चलने के लिए कोई चीज नहीं चाहिए? गार्ड्स चाहिए। चलें, हमने स्टाफ लिखा तो ये स्टाफ हमने लिख दिया कि ये हमारा है। यूटिलिटी जी पे बिल्कुल, करने बिल्स आया करेंगे, हमें बिल्स हर महीने पे करने पड़े हैं, बिल्स पे करने पड़ेंगे, और जनरेटर का खर्चा भी होगा। चलें, ये भी मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ कि जनरेटर्स का खर्चा भी होगा क्योंकि पाकिस्तान में लाइट तो बहुत ज्यादा जाती है, तो आपको यूटिलिटी बिल्स, यू बिल्स भी पे करने होंगे, और आपको जो है ना वो जनरेटर का खर्चा भी देना होगा। स्टाफ के अंदर जो है ना वो हम लोगों ने साथ में गार्ड्स भी लिख देते हैं। सर, मेंटेनेंस रखना होगा। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट हम लिख लेते हैं जनाब। सर सर सास्ता की चाय वगैरह। ठीक है, मेंटेनेंस प्लस हम इसे कह सकते हैं मेंटेनेंस प्लस एंटरटेनमेंट। मेंटेनेंस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए। जी वेरी गुड। अब लाइब्रेरी में दो चीजें हैं, एक तो आपको लाइब्रेरी की बिल्डिंग चाहिए, वो आप ऑलरेडी बिल्डिंग में लिख चुके हैं। लाइब्रेरी में रखने के लिए आपको बुक्स चाहिए, हम लोग बुक्स भी लिख लेते हैं। सर डिफरेंट इवेंट्स अरेंज करने होंगे, सेमिनार्स। बिल्कुल ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसके लिए हमें खर्चा करना होगा। सर मशीनरी वगैरह भी चाहिए, जैसे फैन हो गया, ये चीजें। हाँ जी, इसे हम फिटिंग कहते हैं कि ऑफिस के अंदर कोई चीजें जो कि फिट हो जाती हैं दीवारों के साथ, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कहते हैं, ये हमें चाहिए होगा, मशीनरी वगैरह। बिल्कुल ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फिटिंग। नॉर्मली फर्नीचर एंड फिटिंग इकट्ठा ही अकाउंट्स में दिखाया जा रहा होता है, तो हम लोग अब फर्नीचर और फिटिंग दोनों को ले, स्कूल नेम रजिस्टर करवाना होगा। वेरी गुड। ठीक है जी, कुछ रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस करने होंगे, ये हमें वन टाइम ही करने होंगे, हम लोग इसलिए यहाँ पे रेड कलर में लिख देते हैं। सर टैक्स पे करने होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि जी रजिस्ट्रेशन एंड वी नीड टू पे टैक्सेस। अब रजिस्ट्रेशन मैंने ऊपर लिखी है, क्यों? क्योंकि वो एक ही दफा आपको पे करनी होगी, लेकिन टैक्सेस वगैरह आपको हर साल पे करने होंगे, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। बिजनेस चला रहे हैं जी, हम लोग एक बिजनेस शुरू करने लगे हैं, और वो बिजनेस है एक स्कूल का, कि जी एक सीए का स्कूल हम लोगों ने बनाना है, और उसमें हमें क्या क्या जो है ना वो पैसे लगाने होंगे, कहाँ कहाँ पे पैसे लगेंगे। जी जनाब, कोई और एंटरप्रेन्योर हमारी क्लास में छुपा हुआ, जिसके जेहन में बिजनेस से मुतालिक कोई और बात आ जाए और वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि सर बिजनेस जब हमने करना है तो पैसा यहाँ पे लगेगा या यहाँ से आएगा, और आपने वो नहीं लिखा हुआ, सर थोड़ा सेविंग करेंगे थोड़ा सेविंग करेंगे। अच्छा, उस सेविंग से क्या होगा? सर, प्रॉफिट जो फ्यूचर में फिर इन्वेस्ट करेंगे। देखें, अगर आप सेविंग करते रहेंगे तो फिर तो आपका पैसा आपके पास ही पड़ा है ना। हम लोग जी सर, दो तरीकों से बात कर रहे हैं, पहली बात हम ये कर रहे हैं कि पैसा आएगा कहाँ से, और दूसरी बात है पैसा लगेगा कहाँ से। जब हमारा जो पैसा आया है वो लगे हुए पैसे से ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, क्या ख्याल है? सही सर है ना जी? बिजनेस के नाम पे सर और एसेट्स ले सकते हैं, जी कहीं कह रहे और हैं जी, इन्वेस्ट बिल्कुल कर ऐसे ही। सकते हैं। डेफिनेटली हम जब अपना जब हमारा बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, हमें पैसे बचना शुरू हो जाएंगे, तो हम बिजनेस को एक्सटेंड करेंगे, हम अच्छे टीचर्स को लेके आएंगे, हम ज्यादा बच्चों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, हम उनको कम प्राइस में फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, हमें जहां जहां पे बचत हो रही है हम वो फैसिलिटेशन उनको देने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका एक अच्छा विजन है, लेकिन अगर हमारा इंस्टीट्यूट का विजन दूसरा है कि हम लोगों ने पैसे के बस कमाने हैं, तो फिर हम फीस महंगी से महंगी करते जाएंगे, टीचर्स को कम से कम पे करेंगे, टीचर्स को लेके आएंगे। ये बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है जी, क्या हम कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहते हैं? हम ऑन पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, या लोगों को सर्व ज्यादा करना चाहते हैं? ठीक है जी,
ये हमारी जो तमाम जो विजन है, ये हमारी प्राइसिंग में, हमारी एक्टिविटीज में ये चीज नजर आएगी कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा चले, बहरहाल काफी डिटेल्ड डिस्कशन हम लोगों ने इस बारे में की कि जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हम और बिजनेस अलग अलग है। आपने बिजनेस को एक अदर पार्टी के तौर पर ट्रीट करना है। आपने अपने आप को ये नहीं कहना कि चाहे ही मैं बिजनेस शुरू करूं, चाहे वो 100% मेरा बिजनेस है, चाहे उस बिजनेस में कोई और पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी कंसिडर करेंगे। इस रूल को, इस प्रिंसिपल को कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑनर में और उसके बिजनेस में फर्क होता है। ऑनर इज नॉट इक्वल टू द बिजनेस। ऑनर और बिजनेस अलग अलग हैं एज फार एज द अकाउंटिंग इज कंसर्न। अकाउंटिंग इज कंसर्न, दिस इज द रूल जिसे हम बिजनेस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेपरेट एंटिटी के साथ इसका नाम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है जनाब। सो दिस इज द फर्स्ट रूल जो आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है कि ऑनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा जहां तक अकाउंटिंग की बात है, एज फार एज द अकाउंटिंग इज कंसर्न। कुछ और चीजों के लिए हम इन दोनों को सेम कंसिडर करेंगे, लेकिन वो हमारे आज की क्लास के स्कोप से बाहर है, इसलिए आज हम उनका डिस्कशन नहीं करेंगे। हम वापस आते हैं। जब एक बिजनेस शुरू होने लगा है तो अब हमने इस बिजनेस के ऑफिस में जाके बैठ गए हैं और अब हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा। तो हमें पता चला कि पैसा आने के दो मेन सोर्सेज हैं। एक होता है जी कि जो इस बिजनेस का ऑनर है वो इन्वेस्ट कर दे, दिस इज सोर्स नंबर वन। एक है जी कि ये बिजनेस कहीं और से, किसी भी थर्ड पर्सन से, चाहे वो बैंक है, चाहे वो ऑनर का दोस्त है, ऑनर की फैमिली है, किसी भी दुनिया के थर्ड पर्सन से लोन ले लिया जाए, दिस कैन बी ए सेकेंड सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ द बिजनेस। देखिए, इनफ्लो आएगा का मतलब होता है इनफ्लो, कि पैसे आपके पास आ रहे हैं, और लगेगा का क्या मतलब है, पैसे आपके पास से जा रहे हैं, इसे हम आउटफ्लो कह सकते हैं। ये दो वर्ड्स आपने इससे पहले QM में भी पढ़े होंगे जब हम NPV टेक्निक कर रहे थे। तो इनफ्लो का मतलब होता है कि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब होता है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो हम लोगों ने उसकी पहली जो जो सोर्स देखा वो था कि ऑनर खुद बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, ऑनर खुद अपनी जेब से निकाल के बिजनेस में पैसा लगाए, दिस इज सोर्स नंबर वन। देन देर इज अनदर सोर्स विच इज कॉल्ड, जो कि हम थर्ड पार्टी से लोन ले लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं, या किसी भी और दुनिया का तीसरा बंदा जब बिजनेस में पैसे लगाएगा ऑनर के अलावा, तो उसे हम ये सोर्स नंबर टू कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और तीसरा सोर्स पैसे आने का ये है कि आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जब बिजनेस की, तो एक्टिविटीज से भी तो आपको पैसे मिलते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज से जब आप पैसे निकालते हैं तो डैट कैन बी सेड योर सोर्स नंबर थ्री। तो जनाब, इनके कुछ नाम हैं जो मैं अब आपको बताने लगा हूं। अगर ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हो तो इस सोर्स को हम कहेंगे कैपिटल या इक्विटी। अगर ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो इस सोर्स को हम कहते हैं कैपिटल या इक्विटी। अगर किसी थर्ड पर्सन से हम लोग लोन लेते हैं तो इस सोर्स के लिए एक नाम यूज किया जाता है लायबिलिटी। और अगर हम लोग अपने बिजनेस की एक्टिविटीज से कुछ इनफ्लोज जनरेट करें, यानी कि हमारे पास फी आ गई, हमारे पास कैंटीन इनकम आ गई, हमारे पास बुक शॉप इनकम आ गई, तो इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं इनकम। ठीक है जी। या रेवेन्यूज। सही है जनाब। तो ये तीन सोर्सेज हैं जो हम लोगों ने पैसा आने के मुतालिक देखे हैं, कैपिटल,
या इक्विटी कैपिटल यानी कि ओनर से पैसे आएंगे, लाइबिलिटी किसी भी थर्ड पर्सन से पैसे आएंगे, और इनकम या रेवेन्यू हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से पैसे आएंगे। सही हो गया जनाब। इसी तरीके से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम कर देंगे तो उसके बाद वो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, हम उसके ओनर बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर जब हम परचेज कर लेंगे तो हम उसके ओनर बन जाएंगे, कंप्यूटर्स जब हम परचेज कर लेंगे तो हम उसके ओनर्स बन जाएंगे, लाइब्रेरी बुक्स के हम ओनर्स बन जाएंगे, फिटिंग के हम ओनर्स बन जाएंगे। तो इस तरह की चीजें जिनको परचेज करके हम लोग अपने पास ले आएंगे और हम उनके ओनर्स बन जाएंगे, ऐसी चीजें जो के परचेज कर ली गई हैं और फिर हम उसके ओनर्स बन गए हैं, एंड वी विल यूज देम इन फ्यूचर। ठीक है जी, गाड़ियां ले ली आपने, किताबें परचेज करनी आपने, फिटिंग परचेज कर ली, कुर्सियां वगैरह फर्नीचर वगैरह, एसी लगा लिए आपने, जो रूम की जो रूम के अंदर जो बाकी चीजें होती हैं वो सारी की सारी परचेज कर ली और उनको ऑफिस में फिट कर लिया, कंप्यूटर्स ले लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज कर लिया, फ्रंट ऑफिस का इक्विपमेंट परचेज कर लिया। ये वो सारी की सारी चीजें जो परचेज हैं, जिनको परचेज करने की वजह से हम उनके ओनर बन जाते हैं, बहरहाल इनसे इनके ऊपर पैसा लग रहा है, ठीक है, और हम इनको फ्यूचर में यूज करेंगे। इस तरह की तमाम चीजों को एसेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, अब आप बिल्डिंग के ओनर बन गए हैं और अब आप इसको फ्यूचर में यूज करेंगे तो वो आपका एसेट कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड देर आर सम रिसोर्सेस जिनका हम रेंट पे करते हैं, वी आर नॉट ओनर, वी आर जस्ट यूजिंग इट। ठीक है जी, एंड वी विल पे देम ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलरली उनके ऊपर पेमेंट्स होती रहेंगी। इस तरह की चीजों को हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। अब आपने ये देखना है, क्या आपने मुझे बताना है कि बिल्डिंग जो हमने रेंट पे परचेज की है क्या ये हमारा एसेट है या एक्सपेंस है? सर अच्छा जी, बिल्डिंग जो हमने रेंट पे ली है इसका ये हमारा एसेट बन गया है। क्यों? क्या हम इसके ओनर बन गए हैं? क्या हमने ये परचेज कर ली है? यस सर हमने परचेज नहीं की है भाई, हमने रेंट पे ली है। जब तक हम इसका रेंट पे करते रहेंगे उस वक्त तक ये हमारे पास रहेगी, बाद में हमें उसको वापस करना पड़ेगा। तो जब आप सर रेंट मैं पे कोई चीज लेते हैं, सर मैं समझा कि आपने परचेज कर लिया, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ये देखे ना सामने इतना बड़ा वर्ड लिखा हुआ है बिल्डिंग ऑन रेंट। अच्छा चलें कोई बात नहीं, शुरू शुरू में हो जाता है, दिस इज आवर एक्सपेंस, तो मैं इसके आगे ई लेके देता हूँ। फर्नीचर हमने परचेज कर लिया है, अब हमने अपने पास ला के रख लिया है, क्या ये फर्नीचर हमारा एसेट है या ये हमारा एक्सपेंस है? ऐसे से सर ये ऐसे थे। जी बिल्कुल जी, वेरी गुड। मैं इसके साथ आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है भाई, जो भी जिन्होंने भी माइक ऑन किया हुआ है। अच्छा, ये डिस्टॉर्शन मोस्ट प्रोबेबली इस वजह से होती है कि हम लोग ऐसी हैंड फ्री यूज करते हैं जो कंपेटेबल नहीं होती हमारे मोबाइल या लैपटॉप के साथ। तो खैर इसको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ यही तरीका है कि आपको अगला बंदा बताएगा कि यार इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है तो इसको रिमूव कर लें, तो आप जो है ना वो फिर उसको फिर रिमूव कर सकते हैं, या सिर्फ उसी वक्त ऑन करें माइक को जब आपके माइक में कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। जो बच्चे इस वक्त एक बिल्कुल खामोश प्लेस में बैठे हुए हैं वो कंटिन्यूअसली अपना माइक ऑन रख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभार जो है ना वो हजीमत का सामना करना पड़ता है कि पीछे से घर वाले आवाज दे देते हैं, या आपका भाई जो है ना वो आके आपको आपके निक नेम से पुकार लेता है और वो माइक ऑन ही होता है, जिससे आपको जो है ना वो परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि माइक आप ऑफ रखें, लेकिन जब आपने बात करनी है तो आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। पिक एंड ड्रॉप व्हीकल्स जो हैं, ये हमने क्या की थी, ये अगर तो हम लोग रेंट पे ले लेंगे, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मंथली रेंट पे ये वाली गाड़ियां हम लोग हायर कर लेते हैं, तो हायर के केस में
अगर हम ये गाड़ियां हायर कर लेंगे तो हायर के केस में ये क्या होगा, हमारा एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, और अगर ये गाड़ियां हम परचेज कर लेंगे तो क्या होगा? हायर कर लेंगे, हायर से मुराद है कि हम इसको रेंट पे ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा जी, एक्सपेंस बन जाएगा। एक्सपेंस तो और अगर हम परचेज कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है जी, अगर एसेट्स। हम परचेज कर लेंगे तो एसेट बन जाएगा। वेरी गुड। और रूल सिर्फ यही है जो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, अगर हमने हायर पे कर लिया है, रेंट पे किया है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस होंगे, और अगर हम परचेज कर लेंगे, अब हम इसके मालिक बन जाएंगे, तो फिर ये हमारा एसेट बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर के केस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करके रखते हैं, तो विल इट बी आवर एसेट और विल इट बी आवर एक्सपेंस? एसेट यस, लाइब्रेरी बुक्स, एसेट्स फिटिंग, जो हम ऑफिस में फिटिंग, ये जो दीवारों पे एसेट्स फिटिंग वगैरह करते हैं, ये हमारा एसेट बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो हमने पे की है जिंदगी में सिर्फ एक दफा, विल इट बी आवर एसेट और एन एक्सपेंस? ये हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये मैं एक्सपेंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा एसेट होगा, ये मैंने आपसे नहीं पूछा, ये मैंने आपको बता दिया है। सही है जी, इसके ऊपर कुछ फर्दर डिस्कशन होती है, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर है। रजिस्ट्रेशन फी में कुछ खास किस्म की क्लासिफिकेशन होती हैं, वो कैफ वन के स्कोप से बाहर है, वो कैफ फाइव में जब आप जाएंगे तो यू विल स्टडी सम रजिस्ट्रेशन फी, जिनको हम एसेट के तौर पर भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपने यही याद रखना है कि तमाम रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है, ये हमारी एक्सपेंसिज होती है। अच्छा, अब जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के सामने आने लगा है, आपने फौरन से आंसर नहीं करना, और आपने बस आंसर अपने जहन में सोचना है। मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ, अच्छा ये जिसका माइक ऑन है आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें, इसमें ना डिस्टॉर्शन आ रही है। वेरी गुड। इम्प्लॉयज जो हमारे पास आते हैं, हमारे पास काम करते हैं और हम उनको सैलरी देते हैं, क्या वो हमारा एसेट है या वो हमारा एक्सपेंस है? आप लोगों ने टाइप करके बताना। एम्प्लॉयज, एक्सपेंस, 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 एक्सपेंस। किसी को ये लगता है कि एम्प्लॉयज हमारे एसेट्स हैं? क्या किसी को ये लगता है कि एम्प्लॉयज हमारे एसेट्स हैं? एक स्टूडेंट ने कहा समहाउ कि एम्प्लॉयज जो है वो हमारा एसेट हो सकते हैं। अच्छा, एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न, एम्प्लॉयज को हम हायर करते हैं। देखिए, ये मैंने वर्ड लिखा था यहाँ पे, और इंतहाई चुपके से मैंने यहाँ पे ये वाला वर्ड इसलिए यूज किया था कि ताकि आपको मैं बाद में बता सकूं कि देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा था। हम लोग उनको हायर करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम स्लैब के लिए, फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 हमारे पास आते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनको यूज करते हैं, और उसके बाद उनकी जो कॉस्ट होती है, उनकी मेंटल या फिजिकल कैपेबिलिटीज को यूज करने की जो कॉस्ट होती है, वो हम उनको पे कर देते हैं। टीचर्स की नॉर्मली मेंटल कैपेबिलिटीज इस्तेमाल की जाती हैं, और ये जो हमारा मेंटेनेंस स्टाफ होता है, गार्ड्स वगैरह होते हैं, इनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज को यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो बहरहाल टीचर्स या एम्प्लॉयज या स्टाफ या गार्ड्स, ये सारे के सारे हमारे एम्प्लॉयज हैं, और जब हम इन एम्प्लॉयज को कुछ पे करेंगे तो वो हमारा एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। एडवर्टाइजमेंट, क्या ये हमारा एसेट है या एक्सपेंस है? एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताइए जी। बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या जनरेटर की जो खर्चा है, ये भी हमारा एक्सपेंस होगा। मेंटेनेंस और एंटरटेनमेंट, ये भी हमारा एक्सपेंस होगा। अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा क्योंकि मुझे पता है कि ये तो बड़े सिंपल से आंसर है। माइक ऑफ कर ले यार। ये क्या था? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज के लिए एक्सपेंस है, ऑल्दो के कॉलेज का इससे फायदा होता है कॉलेज को। टैक्सेस जो है ये आपके एक्सपेंसेस हैं। अब देखिए, हर एक्सपेंस की नेचर डिफरेंट हो सकती है। कुछ एक्सपेंसेस आपकी बेसिक एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म किए गए हैं कि आपने बच्चों को सर्विसेज देनी है, ठीक है, और उन सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए यू नीड एम्प्लॉयज, यू नीड स्टाफ। अच्छा, कुछ एक्टिविटीज या कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं
जो मार्केट में अपना अच्छा नाम पैदा करने के लिए किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो स्टूडेंट तक आपका मैसेज पहुंचता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट तक आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो अपनी बेसिक एक्टिविटीज है वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं। आपके टीचर्स अच्छे हैं, आपके एम्प्लॉयज अच्छे हैं, आपका स्टाफ अच्छा है, आपके गार्ड्स अच्छे हैं, ये सारे के सारे लोग बच्चों को अच्छी सर्विसेज देते हैं। तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज की जा सकती हैं और इन एक्टिविटीज से हमारे एक्सपेंस जनरेट होते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि देयर आर टोटल 5 बेसिक हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। वन इज कैपिटल, अनदर इज लाइबिलिटी, देन इट इज इनकम। फिर हम लोगों ने बात की कि एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस नीचे लिखते हैं, पहले हम लोगों ने एसेट्स लिख देते हैं, एसेट्स, और फिर हम लोगों ने बात की एक्सपेंसेस। ये वो तमाम चीजें हैं जहां से पैसा आता है, ये नहीं कि आपके पास इनफ्लोज होते हैं बिजनेस के पास, और ये वो तमाम चीजें हैं जहां पे पैसा जाता है, ये नहीं कि आउटफ्लोज होते हैं। अच्छा जी, वो तमाम अकाउंट्स जिनके ऊपर आपका पैसा, जिनकी वजह से आता है, जिनकी वजह से पैसा आता है, उनको हम कहते हैं कि ये क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स हैं। ठीक है जी, वो तमाम अकाउंट्स जिनकी वजह से पैसा आता है वो क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है जी, और वो तमाम अकाउंट्स जिनमें पैसा जाता है या आपके रिसोर्सेज लगते हैं वो डेबिट नेचर के अकाउंट्स होते हैं। अब क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट का मतलब है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जी आप अकाउंट्स में अपने मोबाइल में क्रेडिट कराने जाते हैं। ठीक है जी, आप दुकानदार को पैसे देते हैं, वो आपके अकाउंट में पैसे डाल देता है, आपके अकाउंट में इजी लोड कर देता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो आप कहते हैं जी मेरे अकाउंट में क्रेडिट आ गया। ठीक है जी, अच्छा वो जो क्रेडिट आपके पास आ गया है वो इस वजह से आया है कि आपके पास इनफ्लो हो गया है। तो जो भी कैपिटल होगा, जो लाइबिलिटी होगी, जो इनकम होगी, उसकी नेचर होगी क्रेडिट। और जब कभी आपके पास से पैसे जाएंगे या कोई ऐसी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से आपसे, आपकी जेब से पैसे निकल गए, यानी कि आपने कोई एसेट परचेज कर लिया, आपने एक्सपेंस परचेज, आपने कोई एक्सपेंस कर लिया, तो इस तरह की चीजों को हम डेबिट कहते हैं। तो डेबिट जो है ये क्रेडिट का उल्ट होता है और क्रेडिट जो है वो डेबिट का कन्वर्स होता है। ठीक है जी, तो जनाब हम लोगों ने अभी तक ये बात की कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पैसा कहाँ से आएगा या कहाँ से आता है और कहाँ जाएगा या कहाँ लगेगा। जहां जहां से पैसा आता है यानी कि पैसे का इनफ्लो होता है, उन तमाम चीजों को हम लोग अपना क्रेडिट कहते हैं, और वो तमाम चीजें जहां पे पैसा जाता है यानी कि एक्सपेंस परचेज करते हैं, एक्सपेंस करते हैं तो पैसा जाता है, एसेट परचेज करते हैं तो कैश जाता है, तो इसे हम डेबिट कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब एक बच्चे ने ये सवाल किया हुआ है कि जनरेटर एसेट नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, जनरेटर एसेट हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए जनरेटर जो है इसमें डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं। कॉलेज ने जनरेटर परचेज कर लिया है, फर्ज करें कॉलेज ने 15 लाख का जनरेटर परचेज कर लिया, तो ये जो जनरेटर है ये कॉलेज का एसेट बन जाएगा। लेकिन क्या परचेज करके वो सारी जिंदगी चलता रहेगा? जैसे एसी हम परचेज कर लेते हैं वो तो चलता रहता है, जैसे हम कंप्यूटर परचेज कर लेते हैं वो चलता रहता है, पंखे लगा लिए वो चलते रहेंगे। जनरेटर के अंदर एक और चीज होती है कि हमने उसमें पेट्रोल डालना होता है, जिसे हम इसकी रनिंग कॉस्ट कह सकते हैं।
तो जनरेटर की जो परचेज कॉस्ट है दैट विल बी आवर एसेट, एंड जनरेटर की जो रनिंग कॉस्ट है दैट विल बी आवर एक्सपेंस। ठीक है जी, कि हम लोगों ने वो जो पेट्रोल परचेज किया है वो इसका एक्सपेंस के तौर पे यूज होगा। जितना पेट्रोल हम लोग यूज करेंगे उतना ज्यादा, मतलब जितना हम उसे चलाएंगे उतना ज्यादा पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसे नहीं होता कि हम जनरेटर परचेज कर लें, जनरेटर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, या जो बड़े हैवी जनरेटर्स होते हैं जो पूरी पूरी बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं वो नॉर्मली रेंट पे ही आते हैं। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें कि अपने रास्ते में आते हुए कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग जो होगी ना, यानी कि फॉर एग्जांपल 10-15 मंजिला बिल्डिंग जो होगी, उस बिल्डिंग में जो एक मेन यूनिवर्सल जनरेटर लगा होगा वो करोड़ों रुपए का होगा, क्योंकि उसने एसी भी चलाने हैं, उसने सारा कुछ करना है। तो होगा ये कि इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो किसी बैंक के पास जाते हैं, बैंक वाले उन्हें कहते हैं ठीक है भाई जनरेटर हमसे उधार ले लो। अब बैंक वाले तो जनरेटर उधार नहीं देते, वो कहते हैं कोई मसला नहीं हम आपको परचेज करके उधार पे दे देंगे, बस हमें तुम ऊपर से इंटरेस्ट देते रहना बस। क्योंकि बैंक का जो मेन पर्पज है वो ये है कि उन्होंने वो उसके ऊपर से इंटरेस्ट जो है ना वो जनरेट करना है और इंटरेस्ट फाइंड आउट वो कमाना है। तो जनाब अगर आपने जनरेटर रेंट पे लिया हुआ है तो ये जो रेंट है ये आपका एक्सपेंस होता है, और सिमिलरली इसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी ये भी आपका एक्सपेंस होगी। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें एक्सपेंस हो गई। दैट्स व्हाई आई सेड कि जनरेटर जो है वो एक्सपेंस होता है। क्यों? क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग या मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि नॉर्मली कॉलेजेस इतने बड़े बड़े जनरेटर्स परचेज नहीं करते, वो रेंट पे ले लेते हैं और उस रेंट पे उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है जी, वो अजीब। अच्छा जी, लाइट जा चुकी है और पखा जो है ना वो अजीब सी आवाज देना शुरू कर गया, मैं जरा फैन ऑफ करके आया, फिर हम दोबारा बात करते हैं। जी जनाब कंटिन्यू करें जी। तो आज हम लोगों ने ये बात की है कि कैपिटल ऑनर की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो बिजनेस के पास आती है, लाइबिलिटी उन पैसों को कहते हैं जो किसी थर्ड पर्सन से आप ले लेते हैं, इनकम उन पैसों को कहते हैं जो कि आपकी एक्टिविटी परफॉर्म करने की वजह से, यानी कि कोई जो भी आपके ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने की वजह से पैसे मिलते हैं। यानी कि वो तीन सिचुएशंस, वो तीन सोर्सेस जो आपके पास आते हैं उनको हम लोग इनफ्लोस कहते हैं और वो क्रेडिट नेचर के होते हैं। एक और चीज देखते हैं, हम लोगों ने ये बात की है कि कुछ चीजें हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं और कुछ चीजें हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमें इनकम आएगी, और हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो इनके अंदर एक और डिफरेंशिएशन भी होती है डेबिट और क्रेडिट के अलावा। जो अकाउंट्स कैपिटल लायबिलिटी या एसेट्स के अकाउंट्स होते हैं, इन अकाउंट्स को हम लोग सेपरेटली ट्रीट करते हैं, और इनकम और एक्सपेंसेस यानी कि जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज हैं उनको हम लोग सेपरेटली ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, अब वो क्या ट्रीटमेंट होती है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन बहरहाल एक चीज ये देखना जरूरी है कि इनकम और एक्सपेंसेस इनकी नेचर एक जैसी होती है, कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट जो है इनकी इनकी जो नेचर है वो एक जैसी होती है। ठीक है जी, एक हमने डेबिट और क्रेडिट नेचर पढ़ी, एक और तरह की नेचर होती है जो कि इनकी यूजेबिलिटी के हिसाब से होती है कि ये किस तरह से यूज हो रहे हैं ये वाले एसेट्स, ये वाले अकाउंट्स। ठीक है जी, हम लोगों ने अभी तक बात की है कि देयर आर 5 मेन हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, जिनमें से 3 हेड हमारे क्रेडिट नेचर के होते हैं क्योंकि उनसे हमें कैश आता है, और 2 हेड्स हमारे डेबिट नेचर के होते हैं क्योंकि उनसे हमें
उन उनके ऊपर हमें कैश पे करना पड़ता है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं। जी जनाब, सर अगर कोई बंदे किसी बंदे से हम उधार पे कोई ऐसी गुड्स वगैरह या चीजें मतलब मशीनरी वगैरह कुछ ले लें तो फिर हाँ जी, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, अभी हम उसी के ऊपर बात करने लगे हैं। अभी इसके अलावा कोई सवाल बताएं? सर ये क्रेडिट और डेबिट पे डिटेल से बात करेंगे ना। जी जी बिल्कुल, पूरी डिटेल से बात करेंगे। आज पहला लेक्चर है, अभी हमने 73 और लेक्चर्स करने हैं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है आप लोगों के कोई और सवाल नहीं है। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन की है उसमें से जो दो चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। नंबर वन इज के बिजनेस और ऑनर अलग अलग हैं। हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ऑनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे। नंबर टू इज के बिजनेस के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको पांच मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और वो आपके सामने है, जिनको हम कैपिटल लाइबिलिटी और इनकम, एसेट और एक्सपेंसेस कहते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी और इनकम की नेचर क्रेडिट है, एसेट और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट है। किसी भी चीज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फौरन से आपके जहन में कोई चीज नहीं भी आएगी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इतनी अकाउंटिंग करेंगे इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर कि इवेंचुअली आपको ये सारी की सारी चीजें अजबर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने करनी है, जो कि आज के सेशन की तीसरी बात होगी, वो ये है कि जनाब हम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि क्या उस ट्रांजैक्शन का कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है या नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट वाली ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने एक ट्रांजैक्शन की कि एक बंदा हमारे पास आया चलता हुआ, उसने कहा जनाब ये 1,000 रुपए का नोट मेरे से ले लें और मुझे 500-500 वाले दो नोट दे दें, या मुझे इसका चेंज दे दें। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के लोग तो खैर ऐसे हैं कि 1,000 रुपए का नोट लेके उसे एक और 1,000 रुपए का दूसरा नोट दे देता है, वो कहते हैं ये लो जी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आजकल जरा चेंज की डेफिनेशन भी बड़ी बदनाम हुई है। तो जनाब फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज इम्पॉर्टेंट। अगर फर्ज करें कि इस तरह से हुआ है कि आपसे किसी ने चेंज ले लिया है, तो एक्चुअली आपने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया। आप आए, आप एक दोस्त के साथ, आपके पास एक टीचर आया, वो आपका अच्छा दोस्त भी था, आपसे बड़ी देर तक बातें की, आपने उनके साथ सारी चीजें डन कर दी कि वो अब आपके पास आके पढ़ाया करेगा, इतनी अमाउंट लिया करेगा, और वो आपसे हाथ में ला के चला गया। यस, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया है, आपने एक टीचर को हायर कर लिया है, लेकिन आपने अभी तक कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं की। तो जब आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे आप उस वक्त उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है जी, आप उस वक्त उसको अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने से क्या मुराद है, हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। अब एंट्री के बारे में भी हम बात करेंगे। सिमिलरली आपने एक बंदे को हायर किया, वो आया आपके पास, 4-5 दिन काम किया, फिर उसे समझ नहीं आई और वो छोड़ के चला गया। उसने कहा जी मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लेने, ना मैंने आपको कोई पैसे देने हैं, मुझे जाने दें आपकी मेहरबानी। उस बंदे ने हमारे पास काम किया, उस रिसोर्स को हमने यूज किया, शायद हमने बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया था जिसकी वजह से वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन जब तक हम उसे कोई पैसे नहीं देंगे हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट किसी भी ट्रांजेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा हम वो ट्रांजेक्शन एंटर नहीं कर सकते। ये तीसरी चीज थी जो हम लोगों ने बात करनी थी। देन नेक्स्ट लेट्स मूव टूवर्ड द फोर्थ थिंग, जो कि बड़ी अल्टीमेट बात होगी, वो ये है कि एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, जो जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसको आपने रिकॉर्ड करना है, विल हैव इम्पैक्ट ऑन टू अकाउंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा। इसमें कुछ और भी बातें इस डेफिनेशन के अंदर, इसलिए मैं ये 3-4 लाइंस छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो सारी की सारी बातें अभी बता दूंगा तो शायद आपको समझ नहीं आएगी। पहली जो चीज हमने इस डेफिनेशन में समझ ली है, डैट इज कि हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स हैं, और हमने उन इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, और इम्पैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनको रिकॉर्ड करना है। तो अब हम लोग बात करने लगे हैं कि डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शंस के इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। ठीक है जी, अच्छा
जो हर ट्रांजेक्शन होती है उसके जो दो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं डेबिट इफेक्ट, यानी कि कुछ अकाउंट्स डेबिट हो रहे होंगे और कुछ अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे होंगे। तो हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, डेबिट इफेक्ट्स और क्रेडिट इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का वर्ड लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है, ठीक है, अभी आपको समझ आएगी, ठीक है, अभी आपको समझ आएगी इसकी, मैं आपको बता दूं। देखिए, डेबिट इफेक्ट्स और क्रेडिट इफेक्ट्स होंगे एंड बोथ विल बी इक्वल। कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप परफॉर्म करते हैं तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं और एक इफेक्ट को हम लोग डेबिट इफेक्ट कहते हैं एक टाइप के इफेक्ट को, और एक टाइप के इफेक्ट को क्रेडिट इफेक्ट कहते हैं। अब यहां से जरा आपने बात मेरी गौर से सुनी है और कोई सवाल नहीं पूछना, अगले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैं यहाँ पे आपको अकाउंटिंग पूरी की पूरी सिखाने लगा हूँ, आपने उसको ऐसे का ऐसे ही समझ लेना है और ऐसे का ऐसे ही उसको परफॉर्म किया करना है। डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट होते हैं जनाब, हम लोगों ने अभी बात की है कि अकाउंट्स की कुछ नेचर होती है, एक नेचर होती है जिसे हम क्रेडिट नेचर कहते हैं, और ये किन किन की होती है, ये होती है कैपिटल की, ये होती है लायबिलिटी की, और ये होती है जनाब इनकम। ये क्रेडिट नेचर होती है, अगर कभी क्रेडिट नेचर के अकाउंट में इंक्रीज आ रहा हो तो हम लोग ये कहते हैं कि ये अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, इनके ऊपर क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी नेचर भी क्रेडिट है। तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स जब इंक्रीज हो रहे होंगे, जब किसी बंदे से आप लोन ले रहे होंगे, मजीद ले रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि ये लोन जो है ये क्रेडिट हो रहा है। और जब कभी क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स में डिक्रीज आ रहा होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये डेबिट इफेक्ट है। ये अब आपने याद कर लेनी है ये वाली बात, क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट्स की हम बात करें, इसको क्यों क्रेडिट कहते हैं, इसको क्यों डेबिट कहते हैं, ऑब्वियसली देर आर रीजंस बिहाइंड दिस, लेकिन अभी हम रीजंस में नहीं जाएंगे। अभी हम ये कहेंगे कि जनाब जिस अकाउंट की नेचर क्रेडिट है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हम इसे क्रेडिट इफेक्ट कहेंगे, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम इसे डेबिट इफेक्ट कहेंगे। सेम गोज विद द डेबिट नेचर अकाउंट, डेबिट को शॉर्ट करके डी आर लिखा जा सकता है, जैसे क्रेडिट को शॉर्ट करके सी आर लिखा जाता है। जो डेबिट इफेक्ट्स हैं ये एसेट होते हैं और ये एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? तो हर वो अकाउंट जो डेबिट नेचर का है अगर वो इंक्रीज होगा, अगर वो इंक्रीज होगा तो इसे हम कहेंगे कि ये डेबिट इफेक्ट है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि ये क्रेडिट इफेक्ट है। इसका ही मतलब है कि क्रेडिट नेचर के अकाउंट्स जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट इफेक्ट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट इफेक्ट, डेबिट नेचर के अकाउंट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट इफेक्ट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट इफेक्ट कहलाएगा। ये वो स्लाइड है, ये वो स्क्रीन है आपके सामने जिसको आपने बस याद करना है, और वो याद करने के अंदर भी सिर्फ दो बात है। ये जो सारी की सारी बात मैंने बताई है इसकी समरी ये है कि अगर इंक्रीज हो रहा है कोई भी अकाउंट तो नेचर जो उसकी है वो अप्लाई होगी, नेचर अप्लाइड। क्या मतलब? क्रेडिट अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट इफेक्ट कहते हैं, नेचर इफेक्ट, और डेबिट नेचर का अकाउंट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट इफेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो ये अदर इफेक्ट होगा। तो अब आपने जो रट्टा लगाना है या जो सुबह उठ के आपने जो चीज याद करनी है, और मैं रट्टा लगाने का वर्ड जानबूझ के बोल रहा हूँ कि दिस इज समथिंग जो आपने याद करनी है कि इंक्रीज हो रहा है तो नेचर इफेक्ट, डिक्रीज हो रहा है तो अदर इफेक्ट, ये जो है ना वर्ड ये आपने याद करना है। जिसे लिख लें, इंक्रीज हो रहा है तो नेचर इफेक्ट, डिक्रीज हो रहा है तो अदर इफेक्ट। अगर कोई अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो नेचर इफेक्ट, डिक्रीज हो रहा है तो अदर इफेक्ट, ठीक है जी।
और ये जो इफेक्ट्स हैं ये हम लोगों ने अब यहाँ पे परफॉर्म कर। हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं वन बाय वन और उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर उनकी नेचर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और नेचर से फिर हम लोग उसकी अल्टीमेट एंट्री बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ओनर ने बिजनेस को कुछ पैसे दिए 100,000 रुपीज। ये एक फाइनेंशियल इंपैक्ट वाली ट्रांजेक्शन है, यानी कि ओनर से कुछ पैसे निकल के बिजनेस के पास चले गए और ये कैश दिया उसने। हम लोगों ने ये बात की है कि हर ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस की होगी इसके दो इफेक्ट्स होंगे। पहला इफेक्ट तो समझ आता है कि जो ओनर है जब उसने बिजनेस को पैसे दिए तो बिजनेस का कैपिटल आ गया, कैपिटल बढ़ा। पहले कैपिटल कोई नहीं था, अब 1 लाख रुपए ओनर की तरफ से आए, क्योंकि ओनर की तरफ से जो पैसे आते हैं उनको हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ओनर की तरफ से जब पैसे आ गए तो वो कैपिटल था, कैपिटल हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया 100,000 से। क्या ख्याल, ऑनर से पैसे एक बिजनेस को मिले तो कैपिटल इंक्रीज हो गया 100,000 से। इंक्रीज का क्या मतलब है, नेचर इफेक्ट। कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट। वेरी गुड। अच्छा जी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सोचते हैं, पॉइंट नंबर 4 हमें ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी इसके दो अकाउंट्स पे अफेक्ट होंगे। दूसरा अकाउंट आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जब मैं आपको बता दूंगा कि ये दूसरा अकाउंट कौन सा है। जब किसी बिजनेस के पास कैश आता है तो उसका कैश इंक्रीज हो जाता है। बिजनेस के पास पहले 0 कैश था, अब उसका कैश कितना हो गया, 1 लाख रुपए। ठीक है, आपने एक बिजनेस शुरू किया, एक कागज का बिजनेस बना के अपने टेबल पर रखा, आपने सबसे पहले उसको 1 लाख रुपए दिए। जब आपने उसको 1 लाख रुपए दिए तो इस बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज हुआ कि ओनर को जो ओनर की तरफ से जो पैसे आए हैं वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गए। और जो दूसरा इम्पैक्ट था इसका वो कैश के ऊपर था कि बिजनेस का पहले कैश 0 था, अब उसका कैश जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि बिजनेस का जो कैश है डेट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 100,000। और जब बिजनेस का कैश इंक्रीज हो गया 1 लाख रुपए से तो इंक्रीज के केस में ये क्या हुआ जी, कैश इंक्रीज हुआ, कैश आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है जब, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होता है जी, डेबिट। तो यही बात मैंने की थी कि जब भी कभी आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे उसके दो इफेक्ट्स होंगे, दो अकाउंट्स के ऊपर वो इफेक्ट हो रहा होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट होगा और एक इफेक्ट डेबिट होगा, और क्रेडिट और डेबिट इफेक्ट्स बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है ना, यही बात हम लोगों ने यहाँ पे की थी कि जनाब एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव इम्पैक्ट ऑन टू अकाउंट्स, एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा, और दोनों इक्वल होंगे। तो इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट्स हुए कि कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा था 1 लाख रुपए से, तो वो 1 लाख रुपया क्रेडिट नेचर का इफेक्ट हो गया। दूसरा जो अकाउंट इंक्रीज हो रहा था वो कैश था, कैश पहले बिजनेस के पास नहीं था लेकिन अब मजीद आ गया है कैश, तो वो उसका कैश इंक्रीज हो गया। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं कि आपने एक ट्रांजेक्शन के दो इक्वल इम्पैक्ट डालने हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस की बुक्स में दो चीजें होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब मैं आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज बताने लगा हूं। अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है डबल एंट्री, कि हर ट्रांजेक्शन की एक डबल एंट्री होती है जो आपने परफॉर्म करनी होती है। और ये जो डबल एंट्री है ये किस तरीके से होगी, सबसे पहले आप वो अकाउंट लिखेंगे जो डेबिट हो रहा है, इसके साथ डैश लगा के आप अकाउंट हेड लिखेंगे कि मेन अकाउंट हेड क्या है, और थोड़ा सा आगे इसकी अमाउंट लिख देंगे कि ये कितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है। अगली लाइन में जहां पे कैश लिखा था इससे थोड़ा सा आगे
आप वो अकाउंट लिखेंगे जो क्रेडिट हो रहा है, और फिर उसकी अकाउंट हेड लिखेंगे, कैपिटल का अकाउंट हेड भी कैपिटल ही है। और जहां पे आपने ये अमाउंट लिखी है, इससे थोड़ा सा आगे, यानी कि ये दो अलग अलग कॉलम्स बन जाएंगे, आपने कैपिटल की अमाउंट लिख देनी। दिस इज द डबल एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन के बिजनेस में कैश आ गया है ऑनर की तरफ से, ठीक है जी। जब भी बिजनेस में कैश आएगा, हम लोग कैश पे इंपैक्ट डालेंगे, और जो दूसरा इंपैक्ट जो भी रेलिवेंट अकाउंट पे हो रहा होगा वो हम वहां पे डालेंगे। इस वक्त जो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल के हवाले से कैश हमारा एसेट था, ये इंक्रीज हुआ, डेबिट नेचर थी इसकी, हमने इसको डेबिट कर दिया, क्योंकि इंक्रीज अगर हो रहा हो तो नेचर अप्लाई होती है, डिक्रीज हो रहा हो तो अदर इफेक्ट अप्लाई होता है। कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा था, कैपिटल की नेचर क्रेडिट होती है, तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो 1 लाख रुपया जो है वो बिजनेस के पास आएगा। अब ये जो एसेट है ये बिजनेस के पास आ गया है, बिजनेस इसे यूज कर सकता है, बिजनेस इसका मालिक है, कैश भी एक एसेट होता है, ठीक है ना जी। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो कैपिटल है ये कंपनी की एक लाइबिलिटी है, सही है जनाब। अच्छा जी, ये थी डबल एंट्री इस अकाउंट की। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, शुरू में डेट लिखी जाती है, फिर यहाँ पे एक लेजर फोलियो का कॉलम बनाया जाता है, उनके ऊपर अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिंपल फॉर्मेट्स की चीजें हैं। फॉर्मेट इंशाल्लाह अभी हम बाद में देख रहे होंगे, अभी हम लोग डबल एंट्री को समझ रहे हैं कि डबल एंट्री इज एक्चुअली दीज टू लाइन्स रिटन इन सच ए वे डैट कि ये पहले कॉलम में आपकी डेबिट एंट्रीज आ रही हैं और दूसरे कॉलम में आपकी क्रेडिट एंट्रीज आ रही है। और यहाँ पे आप डेबिट और क्रेडिट दोनों अकाउंट्स ऊपर नीचे लिखते हैं, लेकिन क्रेडिट वाले अकाउंट्स थोड़े से आगे करके लिखते हैं। एक और ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं जी, जिससे आपको मजीद कुछ बातें समझ आएंगी, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि जब भी कभी ऑनर बिजनेस में पैसे डालेगा तो उसकी यही एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एक बच्चे ने पूछा, सर इज दिस कंपलसरी टू राइट अकाउंटिंग हेड्स इन डबल एंट्री? नहीं अभी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मैं अकाउंटिंग हेड्स आपसे लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि कौन सा अकाउंटिंग हेड जो है ना वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। एक और ट्रांजेक्शन की हम लोग बात करते हैं, वो ये है एक और ट्रांजेक्शन के जनाब, आपने एक एसेट परचेज किया है, एसेट की बात कर लेते हैं कि आपने एसी परचेज की, एसी परचेज किए हैं आपने, और वो जो एसी है वो आपने परचेज किए हैं 50,000 रुपये के। अब जरा गौर से देखिएगा कि हुआ क्या, दो इफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। दो इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि एक इफेक्ट तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में एक इफेक्ट कैश के ऊपर होता है, कि आपका जो कैश है उसके ऊपर एक इम्पैक्ट हो रहा होगा, कैश के ऊपर या बैंक के ऊपर, दोनों की नेचर सेम होती है। आपका जो कैश है वो कम हो गया है 50,000 रुपये से, ठीक है जी। कैश को क्या हुआ, कम हो गया है 50,000 रुपये से, क्यों? क्योंकि कैश आपने पे कर दिया है, सही है जनाब। और जब कैश कम होता है तो हम अदर नेचर अप्लाई करते हैं, यानी कि जब कैश कम होगा तो हम करेंगे क्रेडिट 50,000। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक और एसेट आ रहा है, और वो एसेट है एसी, कि आपने एसी परचेज करनी है। और जब आपने एसी परचेज करनी है, पहले आपके पास एसी नहीं थे, अब आपके पास 50,000 रुपये के एसी आ गए हैं, तो यानी कि एसी में इंक्रीज हो गया है 50,000 रुपये का। तो जब एक एसेट में इंक्रीज आता है तो हम इसे कहते हैं कि ये डेबिट हो रहा है 50,000 से। तो जनाब हम लोगों ने ये बात की कि कैश आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया, और एसेट आपका एसी आ गया उसको हमने डेबिट कर दिया 50,000 से।
तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो ऐसे बनेगी कि हम सबसे पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एसीज, एसी का मेन हेड है एसेट्स, और ये डेबिट हो रहा है 50,000 से, और कैश जिसका मेन हेड है एसेट, ये क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। दिस विल बी द डबल एंट्री, ठीक है जनाब। तो जनाब ये था अकाउंटिंग की बेसिक्स और इसकी कुछ एग्जांपल। अब डेफिनेटली इसके बाद अगली क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोगों ने जो चीजें याद करनी है वो ये चार पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के सामने लिख दिए गए हैं। ये जो जितना भी मैंने स्क्रीन पे लिखा है ये सारा का सारा एक लिंक की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और आप वो जो लिंक है उसमें उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी इसी तरीके से आप अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। आपने यहाँ से ये चार चीजें देखनी है। आज के लिए आपका होमवर्क कोई नहीं है, सिर्फ आपने ये वाली चीजों को दोबारा एक दफा इस स्क्रीन को 10-15 मिनट के लिए देख लेना है, और इंशाल्लाह कल से आगे हम लोग अपनी मजीद अकाउंटिंग एंट्रीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। LMS के हवाले से आपको एक गाइडलाइन वीडियो मिल जाएगी जो सब लोगों के लिए होगी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए होगी। LMS में आपको सारी की सारी बातें बता दी जाएंगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल, तब तक आप लोगों ने ये वाली जो शीट है इसको देख लेना है, और पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पे लगेगा, सारा का सारा जो मैंने आपको लेक्चर बताया है इसको क्विकली गो थ्रू कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा आप इसकी वीडियो भी देख लें, शाम तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, दोबारा रिवाइज कर लें, रिपीट कर लें, और इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।